अब बात करेंगे प्रचंड गर्मी की। देश भर में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में 17 जगहों पर पारा 48 डिग्री के पार पहुंच गया। दिल्ली में तापमान 49 डिग्री के ऊपर है। राजस्थान में पारा 50 डिग्री के पार पहुंच रहा है। भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। उत्तर भारत के कई राज्य भीषण गर्मी के चपेट में है। हीट वेव का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग की माने तो अभी 2 से 3 दिन राहत की उम्मीद नहीं है। उत्तर भारत में इस वक्त प्रचंड गर्मी का प्रकोप लोग झेल रहे हैं। हीट वेव से जीना मुहाल हो चुका है। घरों से बाहर निकलना मुश्किल है। दिल्ली में प्रचंड गर्मी के चलते पानी की किल्लत का भी लोग सामना कर रहे हैं। पावरकट की भी समस्याएं आ रही हैं, यानी बिजली और पानी की भी समस्याओं से लोग ऐसी गर्मी में जूझ रहे हैं। तपती गर्मी से कई शहर इस वक्त धधक रहे हैं। देश भर में 17 जगहों पर 48 डिग्री के भी पार पारा पहुंच रहा है। राजस्थान में 50 डिग्री को भी कई बार क्रॉस कर चुका है। वहीं बिहार के भी कई जिलों में गर्मी का कहर लगातार जारी है। 4 जिलों में बच्चों की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई। शेखपुरा, बेगूसराय और मोकामा में बच्चे बीमार हो गए। 4 जिलों में बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। प्रचंड गर्मी के चलते बिहार में 8 जून तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये फैसला किया है। प्रचंड गर्मी और जिस तरह से बच्चों की तबीयत खराब हो रही है इस गर्मी की वजह से, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया। बिहार में भी लगातार अब गर्मी का सितम लोग झेल रहे हैं। 4 जिलों में बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। शेखपुरा, बेगूसराय और मोकामा में कई बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद 8 जून तक स्कूल बंद करने का फैसला किया गया। भीषण गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। घरों से बाहर निकलना दूभर है। इस गर्मी से बचाव के लिए कई तरह के उपाय लोग कर रहे हैं। वही मौसम विभाग की माने तो अभी राहत के आसार दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि केरल में बहुत जल्द मॉनसून की दस्तक होने वाली है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि कुछ समय बाद उत्तर भारत में भी थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल राहत के कोई आसार नहीं दिख रहे। आसमान से आग बरस रही है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। शहर शहर गर्मी का रेड अलर्ट जारी हुआ है। प्रचंड गर्मी के चलते जहां स्कूलों को बंद किया जा रहा है, तो वहीं दिल्ली में 100 साल का रिकॉर्ड टूटा है। बिहार के कई हिस्सों में प्रचंड गर्मी से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। राजस्थान में कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हाल है। तपती गर्मी से कई शहर इस वक्त उबल रहे हैं, धधक रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये बिहार की तस्वीरें हैं, शेखपुरा में, जहां कई छात्राओं की तबीयत गर्मी के कारण बिगड़ गई और किस तरह से चीख पुकार मची, कैसे टीचर्स ने उन बच्चों को संभालने की कोशिश की। अस्पताल उन्हें लेकर पहुंची टीम। फिलहाल 8 जून तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। चलिए इसी पर हम बातचीत भी करेंगे। ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरजू से दिल्ली से हमारे साथ लाइव हैं। महेंद्र माही नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय जायसवाल जयपुर से हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले आरजू, आपका रुख करते हुए दिल्ली में इस वक्त कैसे हालात हैं, क्योंकि कल शाम बारिश की भी खबर सामने आई और उसके बाद अभी क्या टेम्परेचर है, मौसम विभाग ने क्या संकेत दिए हैं? बिल्कुल वंदना, देखिए कल भले ही जो हल्की फुल्की बारिश हुई थी उसने एक उम्मीद जरूर जगाई थी, लेकिन फिलहाल कुछ खास फर्क जो है वो राजधानी में देखने को नहीं मिल रहा है। इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो किस तरीके से चमकती हुई धूप जो है वो इस वक्त खिली हुई है और यहाँ पर खड़ा होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। लगातार तापमान की भी बात करें तो आज भी 34 डिग्री सेल्सियस सुबह का तापमान है, यानी कि जब दिन आगे बढ़ेगा तो ये तापमान जो है कपड़ा बांध कर लोग जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। कुछ लोग जो है काम पर करते हैं, आप देख सकते हैं फोटोग्राफी जो है वो लोग यहाँ पर करते हैं।
से आते हैं, उनके लिए फोटोज निकाल कर देते हैं, तो खास तौर पर उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त इंडिया गेट पर खड़ा होना। वहीं एक और तस्वीर आपको दिखाएं तो वहां पर आप देख सकते हैं लोग जो है अम्ब्रेला लेके इंडिया गेट पर खड़े हुए हैं, तो लगातार कोशिश जो है वो लोग कर रहे हैं कि अपने आप को इस कड़कती धड़कती धूप से बचा सके। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि जो मरीज है लू की चपेट में जो आ गए हैं उनकी संख्या भी लगातार, राजधानी की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, बीमार लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो बाहर से घूमने आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। अंकल जी, लगातार गर्मी जो है वो बढ़ रही है, कितनी परेशानी हो रही है? हम लोग बॉम्बे से आए हैं, हमारे इधर इतना गर्मी नहीं है। अभी वो टैक्सी ड्राइवर बोला कि इधर बहुत गर्मी है, क्या मालूम दिल्ली में बोलते हैं कि टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। अब आज का था कितना टेम्परेचर है इधर? अभी तो सुबह 34 है लेकिन कल तो 50 से ऊपर चला गया। हम लोग मसूरी से आए ना, तो उधर ठंडा था। अभी कल हम होटल पे उतरे थे, अभी बहुत गर्मी था, फैन और एसी लगाया तो भी कुछ उसमें दम नहीं था इतना। बहुत परेशान है, इसीलिए हम लोग अभी गाड़ी को टाइम है तो ये गर्मी में कैसे रहने का, तो हम लोग 2000 रुपये दे के एक टैक्सी करके एसी में बैठने का विचार किया है। कारण का दूसरा इलाज ही नहीं, ये गर्मी से डॉक्टर को पैसा देने से ये इलाज मेरे को भारी लगा। क्योंकि लगातार लेकिन लोग भी हैं, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है तो कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंडोर्स रहें। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, इतनी गर्मी हो रही है किस तरीके से बचाव कर रहे हैं आप लोग, तो बाहर से आए हैं दिल्ली? हम गॉगल वगैरह पहन रहे हैं, कैप पहन रहे हैं और सनक्रीम लगा रहे हैं ताकि धूप में पानी पी रहे ज्यादा, नींबू पानी ले रहे हैं। में बहुत फर्क लग रहा है, मुंबई में इतनी नहीं हो रही गर्मी? मुंबई में इतनी गर्मी नहीं है, हम दुलिया में ज्यादा गर्मी, इससे ज्यादा गर्मी दुलिया में, ज्यादा गर्मी 45 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, दिल्ली में 50 से ऊपर चला गया। हाँ, फिर अभी क्या करें, पेड़ लगाने को ना, हम सभी ने, उससे गर्मी कम होगी। क्या कुछ तकलीफें हो रही है जब जैसे बहुत ज्यादा धूप में ज्यादा हो रहे ना, पोल्यूशन कम होना? साफ तौर पर लोग जो है यहाँ पर मुंबई से आए हुए हैं दिल्ली घूमने के लिए, और जब पहाड़ी एरिया से आ रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी एरिया में अभी तापमान जो है काफी ठंडा है, लेकिन जब वो दिल्ली आ रहे हैं तो उन्हें वो चीज महसूस हो रही है जिस तरीके से तापमान 50 से ऊपर चला गया है, धड़कती हुई राजधानी इस वक्त जो है सामने निकल के आ रही है, तो लोगों को भी बहुत ज्यादा परेशानी यहाँ पर हो रही है। इससे गर्मी का सितम झेलना पड़ रहा है, हालत खराब है। महेंद्र माही का रुख कर लेते हैं, नोएडा में अभी क्या किस तरह की स्थिति है महेंद्र? बिल्कुल, देखिए दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ नोएडा, और जो टेम्परेचर आरजू ने दिल्ली में बताया वही टेम्परेचर नोएडा में भी है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और जो टेम्परेचर है 34 सेल्सियस दर्ज किया गया है, और दोपहर में यानी कि 10 बजने के बाद ही जो टेम्परेचर है उसमें बदलाव हो जाएगा, यानी कि जो टेम्परेचर है 40 पहुंच जाएगा। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 इन टाइमिंग में जो टेम्परेचर होता है 47 के पार पहुंच जाता है। कल जिस तरीके से दोपहर में बारिश हुई थी, IMD ने पहले से ही अनुमान जताया था कि हवा तेज चलेगी और हल्की फुल्की बारिश हुई थी, मगर 15-20 मिनट की बारिश ने कहीं ना कहीं नोएडा NCR के लोगों को थोड़ी राहत की सांस लेने दी, क्योंकि कल जिस तरीके से 15-20 मिनट की बारिश हुई थी टेम्परेचर काफी डाउन हो गया था। दोपहर के वक्त 4:00 आप देखेंगे तो उस टाइम 33 टेम्परेचर पहुंच गया था, फिर उसके बाद शाम को फिर से जो गर्म हवा है वो चलने लग गई थी। दूसरी तरफ देखिए, क्योंकि नोएडा NCR में जो टेम्परेचर लगातार बढ़ता ही रहेगा, IMD ने कहा कि अभी किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ नोएडा प्राधिकरण ने एक अच्छी पहल की है, उनके तमाम जो सिविल प्रोजेक्ट है, तमाम जो साइट है, उन तमाम जो वर्कर है, उनसे कहा है कि सुबह 11 बजे तक आप केवल काम करेंगे, उसके बीच 11 से लेकर 3 बजे तक क्योंकि धूप सबसे ज्यादा तेज होती है, तो उस बीच कोई जो इनका बेलदार होगा या सिविल साइड में जो काम करता होगा उसको काम नहीं करने दिया जाएगा, यानी कि उसको उस टाइम रेस्ट करने दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल है नोएडा प्राधिकरण की। दूसरी तरफ नोएडा प्राधिकरण तमाम जगहों पे पेयजल की व्यवस्था कर रहा है, क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है नोएडा की, टेम्परेचर 47 के पार पहुंच जाता है। हम जब कल एक सोसाइटी में गए तो सोसाइटी में लाइट की सबसे ज्यादा समस्या आ रही थी, तमाम सेक्टर के वासी ये कह रहे हैं कि जो बिजली है बहुत ज्यादा काटी जा रही है। एक तरफ तो प्रचंड गर्मी, यानी कि 47 पार जो पारा है वो चले जा रहा है, बाहर आप निकलेंगे तो लू के थपेड़े आपको लगेंगे, गर्म हवा जो आपको जो चल रही है वो बीमार भी लोगों को कर रही है। इस दौरान जो लोग हैं वो कह रहे हैं अगर हम घर पे भी रहे तो कैसे रहे, बिजली तो बहुत ज्यादा गुल हो रही है,
खासकर नोएडा, नोएडा तो नो कट पावर जोन में आता है, यानी कि नोएडा में 24 घंटे बिजली देने का वादा अधिकारी करते हैं, मगर असल में देखा जाए तो सुबह के वक्त शाम के वक्त दिल्ली एनसीआर में लगातार पारा 50 के करीब पहुंच रहा है और राजस्थान में 50 को भी क्रॉस कर चुका है। अक्षय हमारे साथ जयपुर से लाइव है। अक्षय, पूरे राजस्थान की स्थिति आप बताएं, अभी कितना टेम्परेचर है और क्या संकेत मौसम विभाग की ओर से दिए जा रहे हैं, कब तक राहत मिलेगी? जी देखिए वंदना, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो हालात है वो अब बेकाबू नजर आते हुए साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। पिछले 10 साल के जो रिकॉर्ड है गर्मी का वो राजस्थान में टूट चुका है और राजस्थान में जो अधिकतर शहरों का और जिलों का जो पारा है, यानी कि चूरू, झुंझुनू, फलौदी, बाड़मेर, जैसलमेर, उनका जो पारा है 48 डिग्री क्रॉस जो है वो यहाँ पर पहुँचता हुआ सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। पिछले अगर हफ्ते भर की बात करें, क्योंकि राजस्थान में अभी नौ तपा चल रहा है और नौ तपे में अधिकतर जिलों का जो तापमान है वो 50 डिग्री तक देखने को मिला है, यानी कि मौसम विभाग का सीधे तौर पर कहना है अगर आपके शहर का जो पारा है अगर 48 डिग्री से ऊपर है तो अधिकतर जो आम जनता है वो अपने अपने घरों में रहे, नहीं तो वो लू की चपेट में आ सकते हैं। एक बड़ा आंकड़ा मैं आपको राजस्थान का बता दूं कि राजस्थान में अभी तक गर्मी के चलते 56 मौतें जो है वो आम जन की सीधे तौर पर देखने को मिली, यानी कि 56 जो मौतें हैं वो हो चुकी है। एक विषय है, चर्चा का विषय है, क्योंकि एक बड़ा आंकड़ा है जो आम जनता का मौतों का वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर राजस्थान के अधिकतर जिले जो गर्मी की चपेट में है, आम जनता को सीधे तौर पर वहाँ के जो डॉक्टर हैं, क्षेत्रीय जो डॉक्टर हैं, वहाँ के जो नेता हैं, वो आम जनता से अपील कर रहे हैं अगर गर्मी आपके जिले में तेज हो तो अधिकतर वो आम जनता अपने घर में रहे, और अगर अगर वो अपने ऑफिस की ओर जाते हैं काम धंधे की ओर, मार्केटिंग फील्ड का काम करते हैं, तो अपने साथ में पानी जैसी पानी जो पेय पदार्थ है, पानी है, छाछ है, उनकी उसको साथ में लेकर चले ताकि वो इस लू की चपेट में आने से बचे। और राजस्थान के जो सड़कों पर जो सन्नाटा पसरा है, तस्वीर एक बार आप दिखा दीजिए। जी देखिए अभी सुबह सुबह का वक्त है, अभी सुबह सुबह आम जनता जब सो के उठेगी जब जाके वो बाहर आएगी अपने अपने काम धंधों की ओर बढ़ेगी, लेकिन सीधे तौर पर जो गर्मी है राजस्थान में वो काफी तेज देखने को मिल रही है। अगर मौसम विभाग की बात करें ऑल ओवर इंडिया की, तो एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा और वो जो केरल के ओर से आएगा, और राजस्थान में जो कुछ हल्की जो राहत है आम जनता को, यानी कि बारिश तो नहीं आएगी लेकिन धूल आंधी की चलने की जो संभावना है वो चेताई जा रही है, यानी कि एक पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान में धूल आंधी का जो अलर्ट है वो यहाँ पर जारी किया गया है। अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में अल सुबह से 9 बजे से जो तापमान है वो 40 डिग्री से बढ़ता बढ़ता दोपहर के 2 से 3 बजे तक में वो जो तापमान है वो यहाँ पर 47 डिग्री पहुंच जाता है, यानी कि पिछले 10 साल का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर टूटा है और आम जनता के जो हाल है वो सीधे तौर पर बेहाल देखने को मिल रहा है। में कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है, लखनऊ से रवि हमारे साथ है, क्योंकि रवि अंतिम चरण का चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर मतदान होगा, उससे पहले जो एक गर्मी का सितम है इससे बचाव को लेकर प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां की जा रही हैं? आंधी के बचाव को लेकर तमाम सारे निर्देश दिए गए हैं, प्याव की व्यवस्थाएं की जाए और लोग हैं छाव का सहारा ले, अस्पतालों में व्यवस्थाएं की गई है, ओआरएस काउंटर बनाए गए हैं। अगर हम आज की बात करें 34 डिग्री के करीब अभी तापमान है और बढ़ते बढ़ते करीब 40 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। हालांकि राहत की बात यह उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर आज से और 2 जून तक कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है, आसमान में भी कुछ बादल छाए रहते हैं जिसकी वजह से उमस का एहसास रहता है, और रात के वक्त अगर बात करें तो इतनी ज़्यादा उमस बढ़ जाती है जिसकी वजह से गर्मी का सामना करना पड़ता। हालांकि कल तक की बात करें, कल तक करीब 44 डिग्री के आसपास जो तापमान लखनऊ का पहुंचा हुआ था, लेकिन अगर आज से बात करें तो 1 डिग्री की गिरावट हुई है तापमान में। हालांकि माना जा रहा है कि अभी 2 से 3 दिन थोड़ी सी राहत मिलेगी, हालांकि 40 डिग्री के आसपास तापमान अभी भी बना रहता है। और अगर उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो आज से लेकर 2 जून तक कुछ इलाके ऐसे जहां पर बारिश होने की संभावना जताई गई है जिसकी वजह से थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन जिस तरीके से गर्मी हो रही है सुबह से शाम तक जो तापमान में जो बढ़ोतरी रहती है उसकी वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। आप सोच इस वक्त तकरीबन 8:30 बज चुके हैं, इस वक्त भी सड़क पर सन्नाटा है, यानी कि सुबह सूर्योदय होने के साथ ही जो सड़कों पर लोगों का आवागमन है वो ना के बराबरी रहता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है और इतनी ज्यादा जो आसमान से जो लगातार जो आग बरस रही है उसकी वजह से दिन भर लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और बिजली की आवाजाही इतनी ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से लोग घरों में भी रहते हुए बेचैन रहते हैं, क्योंकि बिजली बिजली के जरिए ही जो पंखे हैं, एसी है, कूलर है, उनके जरिए लोग अपने आप को गर्मी से राहत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिजली की आवाजाही होती है उससे एक बार फिर से लोग उस परेशानी का
सामना करना पड़ता है और लगातार जो बिजली की आवाजाही हो रही है उसकी वजह से लोगों को बेहद ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि गर्मी जिस तरीके से हो रही है साफ तौर पर लोगों को परेशानी हो रही है और जिस तरीके से आरजू का मैं दोबारा रुख करूंगी आरजू, क्योंकि मानसून केरल में 24 घंटे में दस्तक देने वाला है, उत्तर भारत में इसको लेकर क्या अपडेट है? आप बिल्कुल देखिए, केरल में जिस तरीके से मॉनसून दस्तक देगा इसका असर जो है उत्तर भारत में ज़रूर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ खास असर जो है वो तापमान में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जून जुलाई दो ऐसे महीने होते हैं जब तापमान सबसे ज़्यादा होता है, गर्मी जो है वो अपने पीक पॉइंट पर होती है। तो ख़ास तौर पर अगर बात करें तो राजधानी की, तो राजधानी में मानसून जो है हमेशा जून के आखिरी में पहुँचता है और इस बार भी उसी तरीके का जो मानसून का हालात लग रहे हैं वो इस बार भी राजधानी में मानसून जो है वो महीने के अंत में यानी कि 25 जून के आसपास ही पहुंचेगा। फिलहाल राहत की उम्मीद तो अभी कोई नजर नहीं आ रही है, हम देख रहे हैं किस तरीके से लगातार तापमान ऊपर चढ़ता जा रहा है और राजधानी की अगर बात करें पर्टिकुलरली तो राजधानी में तो खास तौर पर लगातार तापमान ऊपर बढ़ रहा है। वहीं कल हमने देखा किस तरीके से तापमान 52.2% चला गया था, यानी कि लगातार रिकॉर्ड जो है वो बन रहा है। तो उम्मीद दिल्ली वाले कर रहे हैं कि मॉनसून जल्द से जल्द आए ताकि उन्हें इस चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल सके, लेकिन अगर मौसम विभाग की माने तो अभी कोई भी राहत की आसार नजर नहीं आ रहे हैं और इसी तरीके के गर्मी जो है हालात जो है वो बना रहेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आरजू तमाम जानकारी के लिए। रवि आपका भी शुक्रिया, महेंद्र माई हमारे साथ जुड़े आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जो प्रचंड गर्मी है उसका प्रकोप झेलना पड़ेगा, अभी मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि राहत के आसार नहीं दिख रहे। इधर स्पेस एक्स और टेस्ट